दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। रिसेंटली टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। रिजल्ट काफी शानदार निकल कर आए हैं, जिसके चलते इस पूरे ट्रेडिंग वीक के दौरान हमें टाटा मोटर्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। बल्कि आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स के अंदर हमें 3.2% की काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने के अंदर टाटा मोटर्स का शेयर 10% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। लेकिन इसी रिजल्ट के बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टाटा पावर को लेकर टाटा मोटर्स को लेकर एक बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है। देख सकते हैं ठीक 5 घंटे पहले यह न्यूज निकल कर आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स टाटा मोटर्स डिस्क्वालिफिकेशन बाय बेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक बस टेंडर। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टाटा मोटर्स की याचिका थी, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर टाटा मोटर्स ने अपील करी थी, उसको यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया है, जिस कारण से टाटा मोटर्स को डेफिनेटली एक झटका लगा है, जिसके चलते मंडे के दिन टाटा मोटर्स के अंदर हमें शॉर्ट टर्म गिरावट देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपने टाटा मोटर्स के अंदर लॉन्ग टर्म पर्पस से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स के टेक्निकल अभी भी काफी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं, और अगर आप ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल का यूज करते हैं तो यहां पर आप किसी भी स्टॉक्स को टेक्निकल और फंडामेंटली भी एनालिसिस कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स के रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसका सेकंड रेजिस्टेंस आज के दिन कंपनी ने अचीव कर लिया है। थर्ड रेजिस्टेंस 531 रुपये का निकल कर आ रहा है। तो यदि आप ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल का यूज करना चाहते हैं तो साइन अप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप इनका प्रीमियम वर्जन का भी बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसपे 20% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वही बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप की अनदर कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। टाटा एलेक्सी लिमिटेड के अंदर आज के दिन हमें फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही है। रिसेंटली टाटा एलेक्सी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। रिजल्ट काफी अच्छे निकल कर आए हैं। कंपनी ने 606% का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। लेकिन उसके बावजूद हमें यहां पर जो टाटा एलेक्सी लिमिटेड के क्वार्टर फोर में सबसे बड़ी गिरावट का रीजन देखने को मिला, वो था कंपनी के मार्जिन। कंपनी के मार्जिन कट हुए हैं, जिस कारण से यहाँ पर हमें कोई बड़ी तेजी आज के दिन देखने को नहीं मिली, और उसी को लेकर मॉर्गन स्टेनली की तरफ से यहाँ पर अंडरवेट की रेटिंग दी गई है, और जो टारगेट प्राइस थी उसे भी यहाँ पर कट किया गया है। 5,610 रुपये के टारगेट प्राइस दिए गए हैं, यानी कि करंट लेवल से लगभग 17% तक शेयर हमें गिरते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं अगर HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करें तो HDFC सिक्योरिटीज़ ने भी टाटा एलेक्सी को लेकर सेल की रेटिंग दी गई। 5,535 रुपये के टारगेट दिए गए हैं, यानी कि यहां पर भी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 21% की गिरावट हमें टाटा एलेक्सी लिमिटेड के अंदर देखने को मिल सकती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टाटा एलेक्सी ने रिसेंटली अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जिसमें कंपनी ने 26% से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट यहां पर दिखाया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने 202 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया है। अगर आपने टाटा एलेक्सी लिमिटेड के अंदर लॉन्ग टर्म पर्पज से खरीदारी कर रखी है तो यहां पर आप अपनी पोजिशन को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है एप्टेक लिमिटेड। आज के दिन इस कंपनी के अंदर 1.3% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने के अंदर कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न दिए, और पिछले 1 साल के अंदर कंपनी ने 75% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। बात करें इस कंपनी को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 24 मई 2023 के दिन होने वाली है, जहां पर कंपनी बोनस को लेकर अनाउंसमेंट करने वाली है। तो यदि आपने इस कंपनी के अंदर निवेश कर रखा है तो आप बोनस के ऊपर नजर बनाए रख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है उसकी अपडेट भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है। वहीं अगर नेक्स्ट शेयर की बात करें, जिसका नाम है भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड, जहां पर आज के दिन 3.8% की तेजी देखने को मिल रही है। इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हमें 21 मई के दिन देखने को मिलने वाली है, जहां पर कंपनी बोनस को लेकर अनाउंसमेंट करने वाली है। साथ ही साथ कंपनी अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट और डिविडेंड भी अनाउंस करेगी। तो यदि आपने भंसाली इंजीनियरिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर भी आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने के अंदर कंपनी 33% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है थंगा मेलिल ज्वेलरी लिमिटेड, जहां पर आप देख सकते हैं 1.4% की तेजी हमें इस कंपनी के प्राइस के अंदर देखने को मिल रही है। 22 मई के दिन इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, और ये कंपनी भी अपने शेयर होल्डर्स के लिए बोनस का अनाउंसमेंट करने वाली है। तो इन तीनों शेयर्स के ऊपर आप नजर बनाए रख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है जोमेटो लिमिटेड। जोमेटो लिमिटेड की बात करें तो रिसेंटली कुछ टाइम पहले जोमेटो ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जहां पर आप देखिए तो
जोमेटो लिमिटेड ने यहाँ पर 188 करोड़ रुपीज का नेट लॉस डिक्लेयर किया है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हमें 70% की जम देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम देखें तो सेम क्वार्टर यानी कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी ने 359 करोड़ रुपए का लॉस डिक्लेयर किया था, जो कि इस बार हमें 188 यानी कि 188 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है। कंपनी का लॉस रिकवर हुआ है लेकिन अभी भी कंपनी हमें लॉस में देखने को मिल रही है। तो मंडे के दिन जोमेटो के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है।